Sources are telling Times that a second very key important meeting was held between top RSS leaders and BJP leaders. This closed-door meeting took place on Wednesday night. That there were senior RSS leaders, Dattatreya Hozhavale, that is Arun Kumar, Krishna Gopal, they were all in this meeting. And from the BJP side, there was the BJP's interim chief, JP Nadda, that is Home Minister Amit Shah, BJP's organizational National Secretary General BL Santosh, they were also in attendance. The top brass, this is the creme de la creme of BJP and the RSS, they sat together, they discussed the ways to improve the coordination between the BJP and the RSS. Discussions also featured talks around who will be the next national working president of the BJP. So let me go across to Amit Kumar. Amit, it is coming at a very interesting phase when there are several rumors that there is a bit of friction or at least uneasiness between certain ranks of the BJP, certain ranks of the RSS, or jo jin logo ki meeting hui hai ye ekdam top level of RSS aur BJP ki rahe hain at a time jab abhi BJP ka president decide nahi hua hai. Iska zara inside details bataiye, aapke sources aapko kya bata rahe, kya baatein hui? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और ये दूसरी बैठक है चुनाव नतीजों के बाद, सरकार के गठन के बाद ये दूसरी बैठक है जिसमें संघ के बड़े नेता और बीजेपी के टॉप ब्रास आप कह सकते हैं कि बैठे थे. पिछली बार भी जब बैठे, करीब तीन घंटे से ज्यादा की बैठक चली थी, देर रात बैठक थी, बुधवार की रात को भी ये लोग सब बैठे थे और दिल्ली में बैठक हुई. और सबसे बड़ी बात की जो बैठक पहले भी हुई थी उसमें इस बात को लेकर बात थी, क्योंकि संघ की तरफ से बयान इस तरह से आए थे, आपको याद होगा जब मोहन भागवत के बयान आए, फिर इसके बाद उनका जो आर्टिकल था उसमें आया, इंद्रेश कुमार का बयान आया राम मंदिर को लेकर. तो इसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है. कहने की जो रिफ्ट दिख रही थी बीच में, जो कहा जा रहा है कि संघ के लोगों ने चुनाव दौरान अपने आप को पीछे कर लिया था, तो इन सब चीजों को बात हुई. पहली बैठक में कहा यह भी जा रहा है कि जो जेपी नड्डा ने जो संघ को लेकर बात कही थी उसको लेकर भी बात हुई थी कि ऐसा बयान क्यों आया, किसकी वजह से आया, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई. इस बार जो बुधवार की जो बैठक हुई, कहा जा रहा है कि संघ संगठन और जो सरकार, इसके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं लैक जो कर रहा था उसको कैसे बेहतर किया जाए, जो गड़बड़ियां थी, जो गलतियां हो गई, उससे बाहर निकलकर एक मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ना है. साथ ही साथ क्योंकि अभी वक्त है नए अध्यक्ष को चुनने की, तो उस पर भी चर्चा हुई. कहा यह जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की बात थी, इस महीने के शुरू में ही कहा गया था कि नया कार्यकारी अध्यक्ष होगा जो कि जेपी नड्डा के साथ काम करेगा, और इस साल के दिसंबर जनवरी में जो चुनाव होंगे तब पूर्णकालिक के तौर पर वो अध्यक्ष होंगे. लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें संघ की पसंद भी अब बहुत महत्वपूर्ण है. संघ भी अब अपनी बातों को सामने रख रहा है, और इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि कौन ऐसा अध्यक्ष हो जो कि बेहतर कोऑर्डिनेशन भी करे, जो बीजेपी के भीतर जो नीचे लेवल में जो कार्यकर्ताओं को में थोड़ी बहुत नाराजगी रही है उसको कैसे दूर करना है, तो इन तमाम चीजों को लेकर देर रात, बुधवार की देर रात को बड़ी लंबी मैराथन बैठक चली है. और उम्मीद की जा रही है जल्द ही इस पर भी कोई फैसला हो जाएगा, और संघ की उसमें भूमिका भी होगी जो नए अध्यक्ष के तौर पर या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिनका नाम सामने होगा. Absolutely. The Sangh always would have a big hand and a big say in who's going to be the next working president of the BJP. But another interesting thing that, Amit, I want you to discuss about. Abhi bahut sare BJP ke internal meetings hue hain, especially in the state of Uttar Pradesh, jahan par ek bahut hi drubbing dekhi hai humne for the Saffron Party. Usme bahut kuch kiya gaya tha about the words which were coming in about an internal sabotage, that there are those who have betrayed the party. इसके बारे में कोई बातचीत हुई थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द इलेक्शंस, ये भी डिस्कस किया गया था क्या? जी हाँ, इस पे भी चर्चा हुई. और अब जो मैंने कहा ना कि पहले ये दूसरी बैठक है, बुधवार की रात को जो बैठक हुई ये दूसरी बैठक थी. पहली बैठक में तमाम चीजों की बात हुई कि संघ के कार्यकर्ताओं ने अचानक पैर क्यों खींचा, जो जेपी नड्डा का जो बयान आया था उस पर भी चर्चा हुई कि तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था. जिस मोमेंटम के साथ बीजेपी सामने गई थी, करीब 400 का नारा था लेकिन ये माना जा रहा था कि 300 पार बीजेपी अपने दम पर करने वाली है. उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सेटबैक, जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी का चेहरा सामने था, इसके बावजूद अगर वहां पर हुआ तो क्यों हुआ है. आरक्षण का मसला, ये एक बड़ा ये ड्रॉबैक, और पार्टी के लोग भी और संगठन के लोग भी इस बात को मानते हैं कि उस तरह से जो आरक्षण का मसला या संविधान बदलने का मसला जो नीचे तक चला गया था उसको सही ढंग से काउंटर उस तरह से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था. तो तमाम मसले थे और इसको लेकर भी चर्चा हुई, और इसीलिए आपने देखा कि बदलाव दिखने लगा है. उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव किए गए संगठन के स्तर पर, संघ के स्तर पर, जहां पर कई प्रचारकों का काम बांटा गया, उनके क्षेत्र को बदला गया है. तो अब ये जो एक तरह से आप कह सकते कि रफू करना, जो गलतियां हुई उनको भरपाई कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए, वो कोर्स करेक्शन की जो चीजें हैं वो शुरू हो गई है. और इसी
के तहत ये जो दो बैठकें हुई है, पहली बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा हुई, इसके बाद कोर्स करेक्शन का जो काम है वो शुरू हो गया, और जो बुधवार की रात को बैठक हुई उसमें नए अध्यक्ष से लेकर आगे किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, ताकि संघ के लोगों की जो भूमिका होती है निश्चित तौर पर पॉलिटिकली भूमिका नहीं होती है, लेकिन आरएसएस है वो बीजेपी के ही एजेंडे को कैसे आगे रखती है और बीजेपी कैसे संघ के बातों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो एक कोऑर्डिनेशन जो संगठन और सरकार और बीजेपी के बीच में कहीं जो छूट रहा था उसको दुरुस्त करने की कवायद अब तेज हो गई है संघ और बीजेपी के बीच में, और उसी कड़ी में ये बैठकों का दौर जारी है। और आने वाले समय में जो मुझे सोर्स बता रहे हैं कि एक दो बैठकें और हो सकती है और अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा, क्योंकि बहुत जल्द जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक नाम आना है, अब यह तय करना है कि कौन होगा, यह भी कहा जा रहा है दक्षिण भारत से हो, विनोद तावड़े जैसे संगठन के नेताओं का नाम भी उसमें चल रहा है, वो है बीएल संतोष है, लक्ष्मण की बात हो रही कि दक्षिण भारत से है, ओबीसी नेता है, तो इन तमाम चीजों को चर्चाएं चल रही है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो नीचे संगठन से लेके ऊपर सरकार तक के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ फिर से संगठन को एक एक जोश और उसमें जो आप कह सकते हैं कि वो स्फूर्ति भरने की बात हो, और उसी कड़ी में ये तमाम बैठकों का दौर जारी है। Oh, that's very interesting. This is a second meeting. Amit tells us there's a possibility there may be more meeting. The course correction is already visible. But also now next big decision will be who's going to be the next national working president of the BJP. That decision, Amit says, will be taken in the coming days and there may be more meetings to that effect. Thank you so much for getting us the inside track. Well, with that, we're going to be slipping into a short break. Don't go anywhere. The latest updates only here on Times Now.